प्रोडक्शन अच्छा D34 प्रोडक्शंस आज के है के एनाटॉमी ऑफ ई हैंड स्टमक अच्छा स्टमक स्टमक पर सिंपल टू का रोल अप्लाई होता है ठीक है ना सिंपल मतलब एनाटॉमिकली टू एंड्स ठीक है टू सर्फेसेस और टू कर्वेचर्स ठीक है पहले एंड्स डिस्कस करते हैं ठीक है फर्स्ट ये कार्डिक एंड जिसको हम कार्ड यहाँ कार्डिक स्फिंक्टर होता है ठीक है ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है बल्कि फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है ठीक है यहाँ हमारे पास है पाइलोरिक एंड यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है और ये एनाटॉमिकल प्लस फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है ठीक है अब आ जाओ सर्फेस पर दो सर्फेस एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस सही है दो कर्वेचर्स लेसर कर्वेचर और ये ग्रेटर कर्वेचर सही हो गया अच्छा अब एनाटॉमी पर आ जाते हैं ये हमारे पास इसोफेगस के साथ कंटिन्यू है ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास फंडस कहलाता है फंडस ऑफ स्टमक ये सारा बॉडी है बिलो द फंडस एंड टू द इंसाइशुरा एंगुलरिस ठीक है ये इंसाइशुरा एंगुलरिस है और यहाँ तक ये सारा बॉडी ऑफ द स्टमक है ठीक है ये ट्राइंगुलर एरिया होता है इस तरह ये सारा जो है ना हमारे पास एंट्रम है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम ठीक है और जस्ट आफ्टर पाइलोरिक एंट्रम इज पाइलोरस दिस इज ए मस्कुलर पार्ट इसका जो थिक एंड मस्कुलर पार्ट होता है ठीक है और जो इसका डिस्टल एंड होता है वो हमारे पास पाइलोरस स्फिंक्टर बना होता है सही हो गया अच्छा अब आ जाओ इसके वॉल पर मस्कुलर वॉल ठीक मस्कुलर वॉल में हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं ठीक है लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर और ऑब्लिक लॉन्गिट्यूडनल लेयर जो होती है ना वो खास तौर पर कर्वेचर्स पर काफ़ी वो होती है प्रोनाउंस्ड होती है और थिकंड होती है ये देखो ये आपके पास फाइबर्स नज़र आ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स यहाँ और बिल्कुल इस तरह यहाँ भी ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स ये सारे ठीक है सेकेंड लेयर हमारे पास है सर्कुलर फाइबर्स सर्कुलर मस्कुलर फाइबर ठीक है और जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास ऑब्लिक फाइबर्स सही हो गया अब आ जाओ हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम यहाँ से हमारे पास सिलिक आर्टरी से ब्रांच निकलती है एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ठीक है तो यहाँ से इसके साथ अटैच होती है ये जो आपको ब्रांच नज़र आ रही है ठीक है इसके साथ यहाँ अटैच होती है और ये ऊपर की तरफ असेंड कर जाती है ठीक है कि ये अपर एंड ऑफ स्टमक टू इसोफेगस को सप्लाई करती है अब यहाँ इस लोकेशन पे पाइलोरिस की जगह पे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इसी एनास्टोमोसिस के साथ अटैच होती है और ये मतलब कॉमन हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस में से एक है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आगे से ठीक है ये डायरेक्ट सीलिएरी ट्रंक से नहीं निकलती ठीक ये हो गया अब ग्रेटर कर्वेचर पर आ जाओ ये जो आपको नजर आ रही है ये वाला जो पार्ट है राइट गैस्ट्रोपिप्लोइक आर्टरी है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है लेफ्ट गैस्ट्रोपिप्लोइक आर्टरी ठीक है ये दोनों एनास्टोमोस का रही है ग्रेटर कर्वेचर ठीक है ये जो नज़र आ रहे हैं ना ये हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज है स्पेनिक आर्टरी से इसके ग्रेटर कर्वेचर की साइड सही हो गया अच्छा अब आ जाओ हमारे पास इनर्वेशन पर इनर्वेशन हमारे पास जो पैरासिम्पेथेटिक इनर्वेशन है ना वो हमारे पास दो ट्रंक से होती है एंटीरियर वेगल ट्रंक और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक ये एंटीरियर वेगल ट्रंक है जो कि कंटिन्यूएशन है लेफ्ट वेगल आर्टरी ठीक है और ये हमारे पास है पोस्टीरियर वेगल ट्रंक ये कंटिन्यूएशन है क्यों इस तरह लेफ्ट वाली एंटीरियर हो गई ये रोटेशन की वजह से अगर सुपीरियरली हम देखें तो क्लॉक वाइज रोटेशन हो जाती है स्टमक की तो इस वजह से फिर जो हमारे पास लेफ्ट वेगस है वो हमारे पास एंटीरियर हो जाती है राइट वेगस पोस्टीरियर ये तो इसका मोटर स्ट्रक्चर ठीक है इंटरनली आ जाओ तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फॉल्स है ठीक है लेकिन लेसर कर्वेचर के साथ लॉन्गिट्यूडनल फॉल्स होते हैं ये हमारे पास जो है ना ये रोगी है और ये हमारे पास उन्होंने म्यूकोसा दिखाया हुआ है क्योंकि रोगी म्यूकोसल फॉल्स होते हैं ये म्यूकोसा 19 ठीक है और ये जो आप देख रहे हैं ना ये उन्होंने हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दिखाए हैं 10 नंबर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अब ये पता नहीं है कि ये इधर इट इज नेक और गैस्ट्रिक पिट इट्स श्योरली इज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक
इसको एक बार अंदर से चलो डी थ्री फोर प्रोडक्शन साइनिंग ट्रीटियस.